सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नेशनल ऑयलसीड प्रोसेसर्स एसोसिएशन यानी कि नोपा, नोपा के अनुसार अमेरिका में दिसंबर के महीने में सोयाबीन की पेराई में जोरदार तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में अमेरिकी सोयाबीन की पेराई अब तक के उच्चतम स्तर 186.438 मिलियन बुशल यानी कि लगभग 5.073 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज की गई, जो कि नवंबर के मुकाबले 3.9% और वार्षिक आधार पर 1.8% ज्यादा रही। दक्षिण अमेरिका में सूखे के हालात के बीच सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने के कारण अमेरिकी सोयाबीन की रिकॉर्ड पेराई से अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। अमेरिका में सोयाबीन की पेराई में जोरदार बढ़ोतरी तब देखने को मिली है जब सोयाबीन तेल की डिमांड खाद्य तेल उद्योग और बायोफ्यूल सेक्टर दोनों से अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जानकारों का कहना है कि दक्षिण अमेरिका में लंबे समय तक सूखे से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच आने वाले महीनों में पेराई गतिविधियां अधिक ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि के बड़े उद्योगों ने ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालातों को देखते हुए फसल वर्ष 2021-22 सितंबर अगस्त में अपने उत्पादन अनुमान में कटौती की है। ब्राजील के लिए औसत उत्पादन अनुमान अब 133 मिलियन टन का है, जो पिछले अनुमान से लगभग 10 मिलियन टन कम है। इसी तरह अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन का अनुमान 43 से 45 मिलियन टन के बीच का है, जबकि शुरुआत सीजन में 50 मिलियन टन से अधिक की उम्मीद थी। आपको बता दें कि 2020-21 में वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति में ब्राजील और अर्जेंटीना की हिस्सेदारी लगभग आधी फीसदी की थी। अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में घटबढ़ होती है तो उसका असर वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति पर जरूर दिखाई देता है। नोपा के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक अमेरिका में सोयाबीन तेल का स्टॉक बढ़कर लगभग 2.031 बिलियन LBS रहा, जो कि एक महीने पहले 1.832 बिलियन LBS था और वार्षिक आधार पर 19.6% बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।